बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे अंदाज से गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम शवरमा ग्रीन सॉस बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीके से बाजार के ग्रीन शवरमा सॉस से बहुत बेस्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनती है। शवरमा ग्रीन सॉस बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए, पुदीना लिया है हमने, हरा धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, लेमन का जूस लिया है। बाकी की चीज़ें हम रेसिपी में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ साथ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शवरमा ग्रीन सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लेंगे हम एक जूसर और उसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास पुदीना है, हाफ कप हमारे पास पुदीना है। उसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है, उसके सिर्फ हमने पत्ते लिए हैं। और उसके बाद ये हमारे पास है हरा धनिया, हाफ कप ही हमारे पास हरा धनिया। हरा धनिया को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया और उसके पत्ते लिए हैं। हरा धनिया को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, 7 से 8 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, वो डालेंगे इसमें। और उसके बाद हमारे पास है ये लहसुन, देसी लहसुन है हमारे पास, 8 से 10 जवे हैं हमारे पास लहसुन के, वो हम इसमें डालेंगे। देसी लहसुन की ज़्यादा खुशबू आती है बजाय इसके दूसरे लहसुन के। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास सिरका है, 3 से 4 टेबलस्पून हमारे पास सिरका है, वो डालेंगे इसमें। सिरके को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, 3 लेमन लिए हैं, उसका जूस निकाल लिया है, वो ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे ये नमक, 2 चुटकी हमारे पास नमक है। नमक आप ध्यान से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक इसमें अच्छा नहीं लगता है। 2 चुटकी के बराबर हमने इसमें नमक डाला है। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। इसको तकरीबन हमने 2 मिनट लगाया है, 2 मिनट तक हमने मशीन चलाई है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। यहां पर आप कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको निकाल के दिखाते हैं प्याली में कि ये कैसा बना है, हमारे साथ रहिएगा। ले जी, यहां पर शवरमा ग्रीन सॉस हमारी रेडी हो गई है। आपने इसको थिक ही रखना है, कोई भी किसी भी किस्म का पानी इसमें ऐड नहीं करना। पानी नहीं ऐड करेंगे तो जब तक दिल चाहेगा आप इसको रखी रखिएगा, आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की मोहब्बत होगी, प्यार होगा, खलूस होगा, चाहत होगी जो हमें दोबारा से खींच लाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, उससे होगा ये कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। ले जी, यहाँ पर तैयार है हमारी शवरमा ग्रीन सॉस। ये जरूरी नहीं है कि ये शवरमा के लिए ही है, बल्कि आप इसको समोसे खाएं, पकोड़े खाएं, ये सब के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा दही में डाल के भी इसका रायता बना सकते हैं, बहुत काम की चीज है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।